अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 47 न्यूज़, मैं हूं अनमोल चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुकरौंट में गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहाम में रियासती अदारों के करदार पर खसूसी सेमिनार भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीरी मुकाबले भी हुए। इस मौके पर सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर सलीम जतोई, सुकरौंट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी काजी, मीडिया सेंटर सुकरौंट के सदर कुर्बानी इमरानी, नायब सदर रावल और प्रिंसिपल भी सेमिनार से खताब किया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान पिछले सालों में तेजी से तब्दीलियां रोनमा हुई, इनमें हमारे रियासती अदारों का बहुत अहम करदार है। सेमिनार में तकरीरें करने वालों में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कंटकोट सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुजाहरा, हम भी पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। पंजाब और केपीके में डॉक्टर्स की तनख्वाहें 2 लाख से जायद और सिंध के डॉक्टरों की 1 लाख से कम, हमें इंसाफ चाहिए। कंटकोट में डॉक्टरों का इहतजाज और ओपीडी का बायकॉट। लाहौर मुगलपुरा पुलिस का नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मुल्ज़म अब्दुल तौहीद नाजायज असला समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़म के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। मुल्ज़म स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस रहा है, मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर मुदस्सरुल्लाह खान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद कानून से नहीं बच सकते। बहावलपुर शोजक सईद के हमरा चाइनीज कैंप डे का दौरा, डीपीओ ने सिक्योरिटी से मुतलिक तमाम मालूमात का तफसीली जायजा लिया और मजीद हदायत जारी की। एसपी इकबाल टोन की अली रजा की अपने दफ्तर में जराइम की रोकथाम के हवाले से खसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में एसपी डॉल्फिन बिलाल सफर की खसूसी मीटिंग, इकबाल टोन डिवीजन के तमाम एसडीपीओ, डीपीओ डॉल्फिन ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में तमाम एसएचओस और इकबाल टोन डिवीजन के डॉल्फिन सर्कल इंचार्ज भी शरीक हुए। मीटिंग का एजेंडा जराइम की रोकथाम के हवाले से मुश्तरक को पेट्रोलिंग को मोस्टर बनाना था। एसपी इकबाल टोन अली रजा ने कहा कि 15 की कॉल को मौसल होने पर फौरी इलाका में नाकाबंदी की जाए। दुराने ड्यूटी चेकिंग एसडीपीओस और एसएचओस पेट्रोलिंग पार्टी को ब्रीफ करें। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के हवाले से खसूसी प्लान तैयार करें। जान चुके मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहेगा 47 न्यूज़। आप हमें मजीद ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब।